स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान की रोशनी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न और उत्तर जो आपको जानना चाहिए। तो आपसे छोटा सा विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोमती नदी और डी नर्मदा नदी। और सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला सवाल, सवाल नंबर दो, लाल अंगूर कहाँ पर पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी नेपाल में, सी जापान में और डी अमेरिका में। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी जापान में। अगला सवाल, सवाल नंबर तीन, हाथी के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए दो दांत, बी आठ दांत, सी 26 दांत और डी 32 दांत। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 दांत। आपका अगला सवाल है, काला गुलाब कहां पर पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी तुर्की में, सी भारत में और डी इंग्लैंड में। और सही जवाब होगा ऑप्शन बी तुर्की में। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर पांच, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए सावित्री बाई, बी सरोजिनी, सी इंदिरा गांधी और डी कस्तूरबा गांधी। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल, सवाल नंबर छह, भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी गोवा में, सी झारखंड में और डी राजस्थान में। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान में। अगला सवाल, सवाल नंबर सात, दिल्ली का इंडिया गेट कब बनकर तैयार हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सन 1905 में, बी सन 1917 में, सी सन 1921 में और डी सन 1948 में। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी सन 1921 में। अगला सवाल, सवाल नंबर आठ, निम्न में से कौन सा मछली हवा में उड़ सकती है? आपका ऑप्शन है ए डॉल्फिन, बी व्हेल मछली, सी शार्क मछली और डी गरनाई मछली। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी गरनाई मछली। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली सब्जी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए बैंगन, बी टमाटर, सी शिमला मिर्च और डी आलू। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी आलू। अगला सवाल, सवाल नंबर दस, नारियल पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी पीलिया, सी पथरी और डी शुगर। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी पथरी। दोस्तों हम 10 प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल के आइकॉन को अल पर अवश्य दबा दीजिएगा। सवाल नंबर 11, मोबाइल फोन को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बातचीत, बी गतिशील, सी चंचल और डी चलभाष यंत्र। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी चलभाष यंत्र। सवाल नंबर 12 है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए गतिमान एक्सप्रेस, बी विवेक एक्सप्रेस, सी ब्लैक ब्यूटी और डी समझौता एक्सप्रेस। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, सबसे पहले 5G नेटवर्क किस देश में शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी भारत में, सी चीन में और डी दक्षिण कोरिया में।
और सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया में। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 14, ताजमहल को हर साल लगभग कितने लोग देखने के लिए आते हैं? आपका ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख और डी 50 लाख। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी 40 लाख। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई होती है? आपका ऑप्शन है ए 10 भाषा, बी 12 भाषा, सी 15 भाषा और डी 17 भाषा। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकॉन को अल पर अवश्य दबा दीजिएगा। ही जवाब होगा ऑप्शन डी 17 भाषा। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 16, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी श्रीलंका में, सी वेटिकन सिटी में और डी ब्राजील में। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेटिकन सिटी में। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 17, ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? आपका ऑप्शन है ए 100 कमरे, बी 105 कमरे, सी 120 कमरे और डी 125 कमरे। और सही जवाब है ऑप्शन सी 120 कमरे। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सिपाही, बी रक्षक, सी जनकवच और डी राजकीय जनरक्षक। और सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजकीय जनरक्षक। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बनारस में, बी गोरखपुर में, सी चेन्नई में और डी नई दिल्ली में। और सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चेन्नई में। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? आपका ऑप्शन है ए नागपुष्प, बी नीलकंठ, सी सदाबहार और डी कंदपुष्प। दोस्तों आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल के आइकॉन को अल पर अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागपुष्प। अगला सवाल आपके लिए है, भारत के किस राज्य में रेल नहीं चलती है? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी मेघालय में, सी उत्तराखंड में और डी जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।